वेलकम टू सीबीएसई कंप्यूटर एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास नाइन्थ आईटी का जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर। ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है, पहला सैंपल क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद जो है हम कंटिन्यू जो है चार और सैंपल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ साथ जो है हमारे YouTube चैनल में जो है यूनिट वन से लेकर यूनिट फाइव तक के सारे यूनिट के क्वेश्चन आंसर और MCQ के वीडियो बने हुए हैं। साथ ही साथ आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे वेबसाइट में जाकर। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो यहां पे जो है ये क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो रहेगा टोटल आपका 50 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम रहेगा। तो जनरल इंस्ट्रक्शन यहां पे दिया गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में कंसिस्ट 21 क्वेश्चन है जिसमें सेक्शन ए और बी में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये तो आपको सबको मालूम है। तो यहाँ पे टोटल जो है 21 क्वेश्चन है जिसमें कैंडिडेट को आंसर करना है 15 क्वेश्चन को। अब इसमें अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा और सेक्शन बी जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर रहेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में 24 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और वहां पे जो सब्जेक्टिव है वो 26 मार्क्स के रहेंगे। और हर एक जो है वहां पे आपको ऑप्शन भी दिया रहेगा। तो चलिए हम चले जाते हैं यहां पे। तो सबसे पहले आ जाते हैं सेक्शन ए में। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके टोटल 6 क्वेश्चन है जिसमें से आपको आउट ऑफ जो है 4 यहाँ पे सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जो ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा क्वेश्चन नंबर, क्योंकि पार्ट ए पूरा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है जिसमें आपके जो है क्वेश्चन नंबर 1 इसी में जो है आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें आउट ऑफ आपको 5 जो है इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं यहाँ पे 6 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे आपको भी 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 में जाते हैं तो यहाँ पे भी 6 क्वेश्चन है, 5 सॉल्व करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें 6 क्वेश्चन है जिसमें आपको 5 सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आपका जो है पार्ट ए कंप्लीट होता है। फिर आ जाते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें सबसे पहले जो है एम्प्लॉयबिलिटी के अंतर्गत जो है यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें 3 आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपका पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल के अंतर्गत जो है टोटल यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर उसके बाद जो है आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दिया गया है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से आपको एनी 3 आपको सॉल्व करने हैं। तो इस तरीके से ये सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जहां से जाके आप इस जो है क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के साथ साथ इसका तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आपको यहां पे इस क्वेश्चन पेपर का अगर आपको आंसर नहीं मालूम है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। तो हम जो है एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें हर एक क्वेश्चन आंसर को आपको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको भी ये क्वेश्चन पेपर के कार्डिया हो जाए। और जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है ऐसी क्वेश्चन पेपर आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।